ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम पुनः आपके सामने श्री शिव महापुराण का अगला अध्याय लेकर के प्रस्तुत हैं। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, उनके लिए बता दूं कि श्रावण के पवित्र माह में हमारे चैनल पर श्री शिव महापुराण की कथा का आयोजन किया गया है। तो इच्छुक भक्तगण चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्रतिदिन श्री शिव महापुराण की सुंदर कथाओं का रसपान करें। ओम नमः शिवाय। एकोनविंशति अध्यायः। इस अध्याय में पूजा के भेद के विषय में बताया गया है। ऋषि बोले, हे सुजी, आप हम पर कृपा करके पार्थिव महेश्वर की महिमा का वर्णन करें जो आपने वेद व्यास जी से सुना है। सुजी बोले, हे महर्षियों, मैं भोग और मोक्ष देने वाली पार्थिव पूजा पद्धति का वर्णन कर रहा हूँ। पार्थिव लिंग सभी लिंगों में सर्वश्रेष्ठ है। उसके पूजन से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। अनेक देवता, दैत्य, मनुष्य, गंधर्व, सर्प एवं राक्षस शिवलिंग की उपासना से अनेक सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं। जिस प्रकार सत्ययुग में रत्न का, त्रेता में स्वर्ण का व द्वापर में पारे का महत्व है, उसी प्रकार कलयुग में पार्थिव लिंग अति महत्वपूर्ण है। शिव मूर्ति का पूजन तप से भी अधिक फल प्रदान करने वाला है। जिस प्रकार गंगा नदी सभी नदियों में श्रेष्ठ एवं पवित्र मानी जाती है, उसी प्रकार पार्थिव लिंग सभी लिंगों में सर्वश्रेष्ठ है। जैसे सब व्रतों में शिवरात्रि का व्रत श्रेष्ठ है, सब दैवीय शक्तियों में देवी शक्ति श्रेष्ठ है, वैसे ही सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। पार्थिव लिंग का पूजन धन, वैभव, आयु और लक्ष्मी देने वाला तथा संपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य भगवान शिव का पार्थिव लिंग बनाकर प्रतिदिन पूजा करता है, वह शिव पद एवं शिवलोक को प्राप्त करता है। निष्काम भाव से पूजन करने वाले को मुक्ति मिल जाती है। जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी पूजन नहीं करता, वह घोर नरक को प्राप्त होता है। इस प्रकार शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता में वर्णित पार्थिव पूजा का भेद नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।